14 ઓક્ટોબર બાદ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની શક્યતા, જેને લઈને વરસાદની શક્યતા ઓછી છે। 14 ઓક્ટોબર બાદ રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે। તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં અને કચ્છમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે। हाल राज्य में लघुत्तम तापमान 24 डिग्री है। जहां बीजी तरफ आगामी शनिवार सुधी वरसाद की शक्यता कोई शक्यता नहीं, वरसाद की कोई शक्यता नहीं। जारे 14 ઓક્ટોબર बाद वेस्टर्न डिस्टर्बंस की शक्यता है। महत्वना समाचार है, 14 ઓક્ટોબર बाद राज्य में वादळछायु वातावरण रही सके। अगले 5 दिन में यानी आज 10 तारीख है, 10 से लेके 14 तारीख तक बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। मोस्टली वेदर ड्राई रहेगी और टेम्परेचर प्लीजेंट रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। इवन मिनिमम टेम्परेचर में भी ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बाद उसका इम्पैक्ट रहेगा। क्लाउडी वेदर हो सकता है 14 तारीख का बाद। किन किन जगह पे ये क्लाउडी वेदर है? क्लाउडी वेदर मोस्टली नॉर्थ गुजरात, इवन कच्छ में भी हो सकता है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में भी क्लाउड आ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रोच से जैसे वेस्टर्ली विंड होगा तो क्लाउड बन सकता है। अच्छा मैडम, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे जो ठंडी देखने को मिल रही है, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है? अभी टेम्परेचर जैसे अहमदाबाद का जैसे अभी 24 डिग्री सेल्सियस अराउंड रिपोर्ट हो रहा है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर अभी जो ठंड महसूस हो रहा है क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली ड्राई है और विंड मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्ली इवन समटाइम नॉर्दर्ली भी हो रहा है, उसके कारण से ठंड महसूस हो रहा है। लेकिन अक्टूबर महीना का ये नॉर्मल टेम्परेचर ही है।